हो गए, जो रबते में नहीं आ रहे। जैम कादरी की अहलिया जो है वो कोरोना की वजह से नहीं आएंगी, कुछ और लोग हैं वो भी रबते में नहीं आ रहे, तीन लोग और हैं मेरी इतला के मुताबिक जो रबते में नहीं आ रहे, और रात गए तक ये कोशिशें की जाती रही कि वो रबते में आ जाए। इमरान खान साहब ने कुछ अहम ऐलान किए हैं, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन अब प्लानिंग क्या है पीएमएलएन की, जरा इसको गौर कर ले आप। असेंबली में बदमनी फैलाने का एक मंसूबा है जिसका इंकशाफ हो गया है। दोस्त मजारी ने एक दिन पहले ही 22 तारीख लिखकर एक लेटर लिख डाला कि कल ये लेटर हम पहले से पब्लिक, यानी पहले से उन्होंने प्रीएम्प्ट कर लिया कि हमला होना है उनके ऊपर, और ना सिर्फ उन पर होना है बल्कि एमपीएस की जान भी खतरे में है और मासूम लोग मारे जा सकते हैं असेंबली के अंदर, लिहाजा आईजी को, सिक्योरिटी फोर्सेस को, सबको, चीफ सेक्रेटरी को, वो कह रहे हैं कि बंदे भेजो यहां पे। तो इसका मतलब है कि लड़ाई और बदमनी का एक मंसूबा है ताकि आज इलेक्शन हो ना सके, ये इलेक्शन रोकने की एक चाल हो सकती है। यानी कल रात को एक लेटर मंजरे आम पे आया जो आज लिखा जाना था, यानी 22 तारीख का लेटर 21 तारीख को लिख दिया, पहले से पता चल गया कि क्या होने जा रहा है। अब सवालात उठेंगे, ऐसी चीजें होंगी तो सवालात उठेंगे। पब्लिक ने बड़ा रिएक्शन दिया है खरीदो फरोख के खिलाफ, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि लोटा क्रेसी के खिलाफ लोग ऐसे सड़कों पर आ गए हो, एक लोटा बना और पूरा ऐसा लग रहा था पंजाब सड़कों पर है। इस्लामाबाद में लोग निकले, पेशावर में निकले, कराची में भी निकले, हर शहर के अंदर लोग बाहर आ रहे थे। इमरान खान साहब ने उनसे खिताब भी किया है, बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने एहतजाज किया और यह बताया कि अगर कोई लोटा बना तो उसकी खैर नहीं है। उधर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने यह क्लेम किया है कि उनके पास 188 अराकीन हो जाएंगे, 186 उनके पास मौजूद थे, दो लोगों ने मजीद उनसे वादा किया है और परवेज लाई भी एक मेंबर के तौर पर मौजूद हैं, लिहाजा ये 189-190 तक पहुंचने का दावा कर रहे हैं। अगर रन ऑफ इलेक्शन होता है, लेकिन दो तरह इलेक्शन होता है, एक तो सिंपल मेजोरिटी है, कोई एक पार्टी 186 मेंबर अपने पूरे करके दिखा दे, 86, 87, 88, 89, 90 कोई भी 86 या इससे ऊपर एक पार्टी पूरे करके दिखा दे, उनका वजीर आला पंजाब बन जाएगा, सिंपल इज दैट। लेकिन अगर दोनों पोलिटिकल पार्टीज 186 तक नहीं पहुंचती तो फिर रन ऑफ इलेक्शन है, यानी